हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद अवर चैप्टर नंबर 1. ओके, आज हम लोग एक्सरसाइज के कुछ सम करेंगे. तो फर्स्ट सम नंबर 13. वन, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस. द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज एज शोन बिलो. तो आपको क्या दिया हुआ है कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट? मतलब कि पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दोनों आंसर क्या आएंगे? सेम ही आएंगे, राइट? अगर 2 पास्कल है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी आंसर क्या आएगा? 2. अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आंसर 5 है तो पास्कल में भी आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा. मतलब कि दोनों आंसर ऑलवेज क्या आएंगे? सेम आएंगे, राइट? इफ मास ऑफ एयर एट अ सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर इन अ पास्कल, राइट? आप लोगों को उसका फोर्स दिया हुआ है और आपको जो आंसर लाना है वो किस में लाना है? पास्कल में लाना है, राइट? चलो, तो हम लोग क्या करेंगे? आप लोगों को एक इक्वेशन है, पास्कल इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट? अब आपको फोर्स कितना दिया हुआ है? तो के फोर्स आपको दिया हुआ है, मास आपका 1034 ग्राम है, राइट? ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, लेकिन पहले हम लोग स्टेप लिख लेते हैं. तो के 1034 ग्राम, राइट? फोर्स है, सी लेवल है, तो 9.8 से हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से, डिवाइडेड बाय एरिया. तो एरिया आपको कितना दिया हुआ है? तो के पर यूनिट एरिया, मतलब कि 1, मतलब कि आपका एरिया क्या हो गया? 1 हो गया, राइट? चलो, अब हम क्या करेंगे? ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, राइट? तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कि 1 ग्राम है तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? 1000 किलोग्राम, राइट? तो देखो, यहाँ पे है 1034 किलोग्राम डिवाइडेड बाय क्या है? 1000 है, राइट? अब यहाँ पे सेंटीमीटर माइनस 2 है, राइट? इनवर्स है. तो इनवर्स है मतलब कि वो डिनोमिनेटर पार्ट में आएगा. तो डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं. अब हमें क्या करना है? तो क्या सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, राइट? तो कैसे करेंगे? तो के 1034 इंटू 9.8, ये तो है ही हमारे पास. इसको हम लोगों ने ग्राम टू किलोग्राम कन्वर्ट किया तो डिवाइडेड बाय 1000. अब सेंटीमीटर स्क्वायर है मतलब कि मीटर स्क्वायर में आंसर चाहिए. तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो के 1 डिवाइडेड बाय 100. कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, बिकॉज सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो 1 डिवाइडेड बाय 100, राइट? डिवीजन है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर है, और 1 का डिनोमिनेटर क्या है? 100. तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर पार्ट कहाँ पे चला जाएगा? न्यूमरेटर में. तो 100 से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमें आंसर क्या मिला? 10133.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. मैंने आप लोगों को क्या बोला? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर क्या होगा? पास्कल में. तो 10133.2 पास्कल, ये हमारा क्या हो गया? आंसर, राइट? अब हम क्या करेंगे? तो कि ये जो हमारा आंसर है ना, उसको हम लोग 10^2 के पावर फॉर्म में लिखेंगे, राइट? तो उसके पहले आप लोगों को क्या आना चाहिए कि व्हेन, अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, वो पॉइंट को हम मूव करते हैं राइट टू लेफ्ट, राइट? तो ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड से हमें लेफ्ट हैंड साइड में मूव करना है, तो पावर को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, राइट? अगर हम लोग 2 पॉइंट मूव कर रहे हैं तो 10^2 जो भी है, अगर कुछ नहीं है तो 10^0 होगा, राइट? तो जो भी पावर है उसमें क्या करना पड़ेगा? प्लस 2 को ऐड करना पड़ेगा. अगर हम लोग 4 स्टेप मूव कर रहे हैं तो प्लस 4, अगर 5 स्टेप मूव कर रहे हैं तो प्लस 5, 10 स्टेप मूव कर रहे हैं तो प्लस 10. व्हेन वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो हमें प्लस करना है, राइट? लेकिन व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव हो रहे हैं तो पॉइंट, तो हमें 10^2 की पावर में से क्या करना पड़ेगा? माइनस. अगर हम लोग 2 स्टेप राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो -2, अगर 4 स्टेप जा रहे हैं तो -4, 6 स्टेप जा रहे हैं तो -6, राइट? अब यहाँ पे हम लोगों को आंसर क्या है? 101332, और हम लोग को 1.01332 फॉर्म में लिखना है, राइट? तो कितने स्टेप हम लोग ने मूव किया? तो क्या 5 स्टेप. कौन सी साइड? तो क्या राइट टू लेफ्ट. राइट टू लेफ्ट है मतलब कि पावर क्या होगा? ऐड होगा. 5 स्टेप मूव किया, यहाँ पे 10 की कोई भी पावर है तो कि नहीं,
तो 10:0 हो गया, वैसा हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो 5 स्टेप मूव करना है ना, तो प्लस 5, तो हमें क्या मिल जाएगा, 10:5 आंसर। तो देखो है 10:5 और 1.01332 पास्कल, राइट। पास्कल में भी इतना ही आंसर लिख सकते हैं और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी इतना ही हमारा आंसर आएगा, राइट। लेकिन आप लोगों को आंसर किस में पूछा है, तो क्या पास्कल में। अगर आप लोग यही आंसर लिख के आओगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, आपका आंसर राइट होगा, लेकिन आपका मार्क्स कट हो जाएगा। वाई? बिकॉज आपको पूछा किस में है, पास्कल में, तो आपको उसको पास्कल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, भल सेम हो तो भी, राइट। चलो नेक्स्ट 1.21 नंबर, राइट। द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन व्हेन डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन रिएक्ट टूगेदर। डाई ऑक्सीजन को डाई नाइट्रोजन के साथ क्या करते हैं, वो दोनों रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, राइट। और हमें डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म होते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, तो कि वो जो डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म होते हैं ना, उसमें से आपको एक क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन पूछा है, तो कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबे, कौन सा लॉ उसमें ओबे हो रहा है, राइट, बाय द अबव एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट से कौन सा लॉ ओबे हो रहा है हमें वो फाइंड करना है। गिव इट्स अ स्टेटमेंट, राइट, और उसका स्टेटमेंट लिखना है हम लोगों को। तो आपको क्या बोला है कि 14 ग्राम डाई नाइट्रोजन है और 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन है, राइट। फिर 14 ग्राम डाई नाइट्रोजन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है। फिर 28 ग्राम क्या है हमारे पास, 28 ग्राम डाई नाइट्रोजन है और 32 ग्राम डाई ऑक्सीजन है। वैसे ही 28 ग्राम डाई नाइट्रोजन है और 80 ग्राम डाई ऑक्सीजन है, राइट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक का प्रपोजन हम लोग फिक्स कर देते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का प्रपोजन हम लोग 28 फिक्स कर देते हैं। तो 28 यहाँ पे, तो 28 है ही, राइट। तो यहाँ पे 28 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। तो 14 2 28, तो 16 2 32, चलो देन सेम हियर 14 2 32। तो यहाँ पे क्या करना है, 32 2 मतलब कि 64 करने हैं, डन, समझ में आया। तो हमें उसका एक फिक्स रेशियो मिल जाएगा, ऑक्सीजन की डाई नाइट्रोजन का वेट फिक्स है कितना, 28। तो दूसरे का रेशियो हमें मिल जाएगा, कितने ग्राम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो के फर्स्ट में 32, फिर 64, फिर 32 और लास्ट में 80, राइट। अब उसका फिक्स रेशियो क्या आएगा, तो कि 16 2 32, 16 4 64, 16 2 32 और 16 5 80, मतलब कि हमें उसका सिंपल रेशियो क्या मिला, 2:4:2:5, मतलब कि लॉ ऑफ अ मल्टीपल प्रपोर्शन, राइट। तो उसका स्टेटमेंट क्या आ गया, तो कि द मास ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस इज फॉर्म 28 ग्राम एंड कंबाइंड विथ, मतलब कि 28 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन हो रहा है 80 ग्राम ऑफ अ डाई ऑक्सीजन गैस एंड इट्स सिंपल रेशियो 2:4:2:5, डन। अब सेकंड क्वेश्चन, उसमें ही आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा है, तो कि फिल द ब्लैंक इन द फॉलोइंग कन्वर्जन, राइट, मतलब कि फॉलोइंग कन्वर्जन में हमें उसको कन्वर्ट करना है, राइट। 1 किलोग्राम को mm में और pm में, फिर 1 mg को kg और ng में, देन 1 ml को l और डेसीमीटर में, लीटर और डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, राइट। तो फर्स्ट किलोमीटर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं mm में, राइट, मिलीमीटर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किलोमीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में, देन मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, देन सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में, राइट। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 100 मीटर, राइट। देन 1 मीटर इज इक्वल टू, अरे सॉरी, 1000 मीटर, राइट। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, डन। अब हमें कन्वर्ट किस में करना है, mm में, राइट। तो आप लोगों के थियोरी पोर्शन में मैंने आपको सिखाया था कि हमें जिसमें आंसर चाहिए ना, वो पार्ट हमारा कहाँ पे होना चाहिए, न्यूमरेटर पार्ट में, राइट।
तो हमें मैं यहाँ पे हम लोग रिवर्स जाएंगे राइट, हमें चाहिए आंसर कि इसमें mm है ना, तो 10 mm डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 सेंटीमीटर, देखो आ गया। अब हमें क्या चाहिए, सेंटीमीटर चाहिए न्यूमरेटर पार्ट में, तो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर आ गया। अब यहाँ पे मीटर आया तो सेकंड में हमें मीटर कहाँ पे चाहिए, न्यूमरेटर में, तो क्या होगा 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर, तो आ गया 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर राइट। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है, तो कि 1 किलोमीटर है, अगर 2 किलोमीटर होता या 3, 4, 5 होता तो हम जितने भी किलोमीटर का आंसर चाहिए उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें 1 किलोमीटर में आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर राइट। अब यहाँ पे देखो 1000, 100 और 10, मतलब कि 10^2 क्या हो गया, 6 हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10^6 mm राइट। अब क्या करना है, किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, pm में, पिकोमीटर में, तो फर्स्ट क्या करेंगे, तो कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर राइट। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, मीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा 10^-12 मीटर इज इक्वल टू 1 पिकोमीटर, या तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10^-12 मीटर। अब हमें आंसर किस में चाहिए, pm में चाहिए, तो pm वाला पार्ट कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में, तो 1 pm डिवाइडेड बाय 10^-12 मीटर। अब मीटर में चाहिए तो 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर राइट। अब 10^3 है मतलब कि 1000 है मतलब कि 10^3 राइट, और डिनोमिनेटर में क्या है, 10^-12, तो 10^-12 डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10^+12 इंटू, ऑलरेडी हमारे पास 10^10 तो है ही, तो 3+12 कितने हो जाएंगे 15, तो आ गया 10^15 पिकोमीटर, 1 किलोमीटर है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट। सेकंड क्या है, mg कन्वर्टेड इंटू kg राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, देन किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे राइट। और सेकंड में क्या है, mg को कन्वर्ट करना है ng में, तो पहले हम लोग उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको फिर से कन्वर्ट करेंगे राइट। चलो तो फर्स्ट mg कन्वर्टेड इनटू kg, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 mg राइट। वैसे ही 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 ग्राम राइट। अब हमें क्वेश्चन किस में है, क्या किस में कन्वर्ट करना है, kg में, तो kg वाला पार्ट न्यूमरेटर पार्ट में, तो 1 kg इज अपॉन 1000 ग्राम, देखो आ गया 1 kg अपॉन 1000 ग्राम, देन ग्राम वाला पार्ट न्यूमरेटर पार्ट में आएगा, तो 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 mg, 1 / 1000 mg राइट। तो 1000 क्या हो गए, 10^3 × 10^3 मतलब कि 10^6 1 / 10^6 न्यूमरेटर पार्ट में, डिनोमिनेटर पार्ट में है, न्यूमरेटर पार्ट में क्या ये प्लस है ना, अगर न्यूमरेटर पार्ट में जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा राइट। तो 10^-6 किलोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा राइट। अब हमें क्या करना है, एनजी में कन्वर्ट करना है राइट। तो फर्स्ट हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम को, देन ग्राम को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, एनजी को राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, एनजी आएगा राइट, केजी लिखा हुआ है वहाँ पे एनजी आएगा, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1000 mg राइट। उसके बाद क्या आ जाएगा, तो के 1 mg इज इक्वल टू 10^-9 ग्राम, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, या तो फिर हम लोग 10^-9 ग्राम इज इक्वल टू 1 mg भी लिख सकते हैं राइट। हमें आंसर एनजी में चाहिए, तो 1 mg इज डिवाइडेड बाय 10^-9 ग्राम राइट। देखो 1 / 10^9 यहाँ पे kg है, आपको उसको एनजी करना है राइट। अब ग्राम में चाहिए, तो 1 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100 mg राइट। तो 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 mg, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1 / 1000 है ना, तो 1000 है मतलब कि 10^3 इंटू 1 - 10^-9। अब यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -9, तो क्या हो जाएगा 1 / 10^-6। -6 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो +6 हो जाएगा डन। और थर्ड वाला, लास्ट वाला, वो क्या है, तो कि ml को कन्वर्ट करना है लीटर में राइट। तो क्या होगा, फर्स्ट उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, इजी है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
1000 ml, राइट। चलो तो यहाँ पे आपको 1 लीटर में हमें आंसर चाहिए ना, तो 1 लीटर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1000 ml। एक ही बार करना है, यहाँ पे दो बार किया हुआ है मतलब कि गलत है, राइट। अब 1 ml ही है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 ml से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 / 10^3, राइट। 10^3 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में चला जाएगा तो 10^-3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट और लास्ट, 1 ml को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, राइट। तो 1 ml इज इक्वल टू क्या है, सेंटीमीटर, 1 cm³ है, राइट। अब 1 cm है तो सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसीमीटर में, तो क्या हो जाएगा, 10 cm इज इक्वल टू क्या है, 1 dm, राइट। हमें आंसर किस में चाहिए, डेसीमीटर में, तो क्या हो जाएगा, 1 dm डिवाइडेड बाय 10 cm, राइट। देखो है 1 dm डिवाइडेड बाय 100 cm, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेसीमीटर क्यूब में आंसर चाहिए, तो उसको 3 times मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो दे है 1 × 1 × 1, 10 × 10 × 10, मतलब कि 1 / 1000, 1000 मतलब कि 10^3, वो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में चला जाएगा तो 10^-3, तो ये हो गया हमारा आंसर, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा एक्सरसाइज का 1.27, हमें क्या करना है, तो कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट, हमको उसके बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट और सेकंड पिकोमीटर में, तो पिकोमीटर का बेसिक यूनिट क्या है, मीटर है, और थर्ड वन है हमारा एनजी में, तो उसका बेसिक यूनिट क्या है, तो कि किलोग्राम है, राइट। तो हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा कि पिकोमीटर है ना, तो 1 pm इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, तो कि 10^-12 m, हमें आंसर किस में चाहिए, उसके बेसिक यूनिट में मतलब कि मीटर में, तो क्या करेंगे, 10^12 m डिवाइडेड बाय 1 pm, राइट। अब हम लोगों ने जो लास्ट सम में किया ना, वही है लास्ट सम में हमें 1 था ना, तो हम 1 से मल्टीप्लाई करते थे, राइट। लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 28.7, तो हम लोग क्या करेंगे, 28.7 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 28.7 × 10^-12। अगर हम लोग 1 point ऐसे मूव करेंगे राइट टू लेफ्ट, राइट, तो 2.87 आंसर आ जाएगा। तो पावर क्या हो जाएगी, 1 point हम लोग मूव कर रहे हैं ना, कौन सी साइड, राइट टू लेफ्ट, मतलब कि +1, तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, 10^-11, राइट। मैंने अभी आपको सिखाया ना कि अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो प्लस आएगा, प्लस ऐड करना है, 1 point मूव कर रहे हो तो +1, 2 point मूव कर रहे हैं तो +2। सेकंड है 15.15, मतलब कि 10^-12 m डिवाइडेड बाय 1 pm, तो इसको हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना है, 15.15, आगे वाला जो किया ना फर्स्ट वही है सेम, तो आंसर क्या मिल जाएगा, 15.15 × 10^-12, राइट। 10^-12 आया, हमें 11 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 11 मतलब कि 1 लेस हो गया, तो क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, राइट। आपको दोनों आना चाहिए, राइट, कि अगर राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे तो +1 होगा, तो 10^-11 हो जाएगा, राइट। और सेकंड ऐसा आना चाहिए कि मुझे इतनी पावर चाहिए, अगर आप लोगों को 10^-10 चाहिए, राइट, -10 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +2, तो हम क्या करेंगे, +2 करना है ना, मतलब कि हमें कहाँ जाना पड़ेगा, तो कि राइट टू लेफ्ट ही मूव होना पड़ेगा, राइट। दोनों तरह से आपको आना चाहिए। थर्ड क्या है, 25365 mg, mg है मतलब कि ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, 1 gram इज इक्वल टू 1000 mg, और 1 kg इज इक्वल टू क्या होगा, 1000 g, आंसर किस में चाहिए, किलोग्राम में, तो 1 / 1000 हो गया। फिर ग्राम चाहिए, तो ग्राम डिवाइडेड बाय 1 gram डिवाइडेड बाय 1000 mg हो गया। कितना क्वेश्चन में क्या है, 25365, तो 25365 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो क्या मिल जाएगा, 25365 × 1/10^6 हो जाएगा, 10^6 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -6, राइट। अब मुझे पॉइंट मूव करने इस साइड, कितने, 4 point मुझे आंसर चाहिए, लिखना है 2.5365 के फॉर्म में, तो कितने पॉइंट मूव किए हमने, 4 point, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10^-6
प्लस 4, तो आंसर क्या मिल जाएगा, 10^-12 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया किलोग्राम में। ओके, थैंक यू।